है दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में और डीएसटी के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डीएसटी किस तरह से अपने मेल पैटर्न हेयर लॉस में कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट है डीएसटी। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन एक मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में मेल में होता है, और ये जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से सीक्रेट होता है। और ऐसा नहीं है कि ये फीमेल में नहीं होता, फीमेल में होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, वो ओवरीज से सीक्रेट होता है। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन के बारे में हम ये समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बॉडी के लिए ज़रूरी है, या मतलब ऑब्वियसली मेल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मेल डोमिनेटिंग है और मेल में सबसे ज़्यादा ये अपनी आवाज़, जो मेल के एक मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, आवाज़ हो गया, मेनहुड हो गया, और जैसे अपन एक चीज़ और देखते हैं दाढ़ी मूछ, है ना, ये सब चीज़ों को एक मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ों को वो रेगुलेट करता है अच्छी तरह से, ठीक है। सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं, वो सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये मेल में एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि ये उनका बॉडी मसल मास है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशंस हैं, ये सब चीज़ों को वो रेगुलेट करता है। तो ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, और ये सबसे ज़्यादा अगर इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती है तो एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज। तो 5-अल्फा रिडक्टेज और टेस्टोस्टेरोन मिलकर DHT का एक फॉर्मुलेशन करते हैं, जिसे हम लोग है ना डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मानते हैं। जैसे लोग, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो है ना काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करके आते हैं, गूगल पर सर्च करके आते हैं, वो डायरेक्ट मुझसे DHT के बारे में पूछते हैं कि DHT के कारण हुआ है या फिर किस कारण से हुआ है। तो मैंने जहाँ तक अभी ये देखा है कि हेरिडिटरी ज़्यादातर डोमिनेटिंग नहीं होता हेयर लॉस में, DHT ही डोमिनेटिंग होता है। जितने भी पेशेंट में हमने देखे हैं, अगर DHT से रिलेटेड हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या DHT ब्लॉकर ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट करते हैं, उनमें होम्योपैथिक मेडिसिन हम DHT से रिलेटेड अगर हम देते हैं तो उनमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो मेन चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर टेस्टोस्टेरोन को हम कम नहीं कर सकते और 5-अल्फा रिडक्टेज को भी हम कम नहीं कर सकते, और नियर अबाउट मेल में जितना टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, अगर आप मान के चलो उसका 5-10% ही वो DHT में कन्वर्ट होता है, और DHT का अगर सबसे ज़्यादा अगर देखें अपन डोमिनेशन अपने स्कैल्प में काफ़ी ज़्यादा होता है, वो डर्मल पेपिलास को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, जिसके कारण से आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा फ्रंटल रीजन के पेशेंट्स के फ्रंटल रीजन के हेयर्स जाते हैं, वर्टेक्स रीजन्स के हेयर जाते हैं। तो ये डर्मल पेपिला का यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक मेन एक डोमिनेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हेयर जाते हैं। इसमें आप मान के चलो धीरे धीरे क्या करता है, ये एक हेयर फॉलिकल्स को मिनिचराइजेशन कर देता है, मतलब उसको थिन करता है धीरे 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 धीरे, वेलस स्टेज में जाते हैं हेयर्स और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर वहाँ से हेयर गया है तो फिर धीरे धीरे उस पर ये होता है कि रीग्रोथ के चांसेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम पेशेंट को है ना, अगर जो भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उससे ये बोलते हैं कि अगर आप अगर अर्ली स्टेज में आओ तो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। जैसे अगर आप मान के चलो 4-5th स्टेज में आते हैं पेशेंट, तो उसमें काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं और काफ़ी अच्छे से रिकवर हो जाते हैं, प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है उस वाले केस में, ओके। अब अपन ने एक चीज़ देखी कि DHT काफ़ी ज़्यादा, मैंने जैसे आपको बताया कि डर्मल पेपिला में काफ़ी ज़्यादा DHT होता है, जिसकी वजह से टर्मिनल हेयर को मिनिचराइजिंग कर लेता है, मिनिचराइज्ड हेयर हो जाता है और वो काफ़ी थिन हो जाता है धीरे धीरे। तो इस कारण से ये वाली प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर वो मेल पैटर्न हेयर लॉस में बदल जाता है। अब ये चीज़ है कि टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में फंक्शंस को, अपन ऐसी कोई दवाई नहीं है या ऐसी कोई दवाई अपन ले नहीं सकते कि जिससे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो, ठीक है। अब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सबसे पहले एक चीज़ आती है कि अगर अपने को ये देखना है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनसे ये देखते हैं कि अगर उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या कारण है, सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड कंप्लेंट्स है तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनेगा। अगर आप
अगर एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा, तो ये सब चीजें हमें डायग्नोस करनी पड़ती है। अगर आपकी फॉल्टी डाइट है, अगर आप प्रॉपर डाइट आप फॉलो नहीं कर रहे, डाइट मीन्स अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल सब्सटेंस नहीं ले रहे हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो टेस्टोस्टेरोन उनमें ज्यादा बन रहा है कम बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में उनमें टेस्टोस्टेरोन उस तरह से बन रहा है, लेकिन वो उस चीज को काफी ज्यादा तक इनहिबिट कर देते हैं हेयर लॉस को, और हेयर लॉस को बढ़ा देते हैं उल्टा। तो अब नेक्स्ट चीज, एक और चीज मैंने देखी, जैसे काफी लोग वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कैप्सूल्स लेते हैं या उनके इंजेक्शन लगवाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स इसलिए लेते हैं ताकि उनकी मसल मास बढ़े। इसलिए आपने एक मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉडी बिल्डर्स आपने देखा होगा कि उनके हेयर्स नहीं होते हैं, या फिर है ना जो स्टेरॉइड नहीं लेते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉडी बिल्डर्स हैं जिन जो बॉडी बना रहे हैं या एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो उनके हेयर्स चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है और वो अल्फा रिडक्टेज से मिलकर काफी ज्यादा वो डीएसटी बना रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि अपन इस चीज को डीएसटी को कंट्रोल कैसे करें। तो डीएसटी को कंट्रोल करने के लिए काफी सारी मेडिसिन है, हर पैथीज में मेडिसिन है। हम स्पेशली होम्योपैथी को प्रेफर करते हैं क्योंकि होम्योपैथी प्रेफर करने में ये है कि अगर आप एलोपैथी या कोई अदर सब्सटेंस में कुछ एक दो दवाइयां आती हैं जो रेगुलर लेने पर थोड़े टाइम बाद 3 से 4 महीने बाद लिबिडो, सेक्सुअल ड्राइव ये सब कमजोर होता है, तो ये सब चीजें अपन अवॉइड करते हैं। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जो नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर है, होम्योपैथी में शैम्पूज हैं जो नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर है, तो हम वो मेडिसिन देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो उसमें हमें अच्छे प्रोग्नोसिस मिलते हैं। तो नेक्स्ट थिंग, अब हम एक चीज बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी में बन रहा है, अगर हमारे पास पेशेंट आया तो अब अपने को किस तरह से उसको कम करना है, टेस्टोस्टेरोन को कम नहीं करना, अल्फा रिडक्टेज और टेस्टोस्टेरोन को जो बाइंडिंग करता है वो एक चीज होती है कि अपन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कम से कम बने, हम उस चीज पर ध्यान देंगे। तो हम उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं वो डीएसटी ब्लॉकर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। अगर हमें 3 से 4 महीने में अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, अगर हेयर लॉस हो रहा है, तो फिर हम टेस्टोस्टेरोन लेवल एक बार चेक करवाते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं, मैं अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स कवर करूंगा। अभी इस वीडियो में मैंने डीएसटी के बारे में बताया है, अगले वीडियो में मैं आपको डीएसटी के लिए नेचुरल आप डीएसटी किस तरह से कम कर सकते हो, इसके लिए आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनिशियल स्टेज पर हो, डीएसटी कम कर सकते हो, हेयर का आप ध्यान रखो, तो आपके हेयर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम झड़ना स्टार्ट होंगे और रीग्रोथ भी हो जाएगी। अभी वाले में इसमें ये बताता हूँ कि कुछ अभी नेचुरल सब्सटेंस है, अभी इसमें अपन टॉपिकल एक चीज कवर करना चाहूंगा। बहुत सारे ऑयल्स हैं या बहुत सारी चीजें हैं जो टॉपिकली आप बोलते हैं कि काफी सारा मतलब हेयर लॉस में प्रिवेंट करता है, तो मैं एक मिथ है कि हेयर ऑयल से कम से मतलब डीएसटी ब्लॉक हो जाएगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं कुछ सब्सटेंस जो होने चाहिए स्पेशली कुछ इन सब चीजों में जो डीएसटी ब्लॉक कर सके, तो अभी इनिशियल में आपको कुछ शैम्पूज वगैरह की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर हैं और एक टॉपिकल ट्रीटमेंट है। अदरवाइज अगर आप इनिशियल स्टेज पर हो तो आप उन शैम्पूज वगैरह को आप यूज करें, या फिर मैक्सिमम थिंग्स ये है कि आप है ना अपने हेयर की केयर करें। अगर फिर भी आप हेयर नहीं झड़ते हैं, हेयर झड़ रहे हैं आपके काफी ज्यादा, तो आप फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे से। और नेक्स्ट थिंग ये है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा कवर करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है कि नेचुरली आप डीएसटी को किस तरह से ब्लॉक करके आप अपने हेयर्स रीगेन कर सकते हो। ये एक जनरल टॉपिक रहेगा क्योंकि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो भी मेरे पास आता है मैं उन्हें ये सब चीजें बताता हूँ कि आप नेचुरली डीएसटी ब्लॉक करो साथ में, क्योंकि इन होम्योपैथी में डाइट और रेजिमेन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप बिना अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वाले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और टेक केयर ऑफ योर हेयर। बाय बाय।